26 पे, ठीक है। लेक्चर नंबर 26 में हमारे पास बेसिकली हैं ये जो आप लोग बहुत पैनाडॉल्स, एस्पिरिन, पेन रिलीफ मेडिसिंस लेते हो ना, क्या होता है ये बेसिकली? एनसिड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं एनसिड्स, इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। एंड आई विल टेल यू वट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। चलें जी, ओके। एक अभी हमने बात की थी स्टीरोइड्स की, ठीक है, और एक होते हैं नॉन, अब स्टीरोइड्स भी डेफिनेटली हम पेन में यूज करते हैं, ठीक है। अब नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, स्टीरोइड्स भी अभी हमने इन्फ्लेमेशन में यूज की थी, और दूसरी क्लास हमारे पास है नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू कि कल एराकिडोनिक एसिड जो है इससे सारी बॉडी के प्रोस्टाग्लैंडिंस, प्रोस्टेसाइक्लिंस एंड थ्रोम्बोक्सेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, कॉक्स वन एंड कॉक्स टू एंजाइम, ठीक है। जो कॉक्स वन है वो प्लेटलेट में होता है, जो कॉक्स टू है वो आपका एंडोथेलियल सेल में होता है, ठीक है। कॉक्स वन आपका प्लेटलेट में होता है एंड कॉक्स टू आपका एंडोथेलियल सेल में होता है, ओके। एंड जो अगर कॉक्स वन इनहिबिट होता है, अच्छा, कॉक्स वन से थ्रोम्बोक्सेन ए टू बनता है, कॉक्स टू से प्रोस्टेसाइक्लिन बनता है, ठीक है। अब इनको ऑब्वियसली आपने इनहिबिट किया तो क्या होगा, आपको फंक्शंस बेसिकली पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा था कि जो प्रोस्टेसाइक्लिन होते हैं दे इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, कॉज वेजो डायलेशन। थ्रोम्बोक्सेन्स जो हैं दे कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड दे प्रोमोट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ओके। ओके जी, ये जो एनसिड्स, ये जो मेडिसिन हैं बहुत ज़्यादा ये जो मार्केट में आजकल आई हुई हैं, क्या इनके यू नो इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक तो ये एनल्जीजिक होती है। एनल्जीजिक का क्या मतलब होता है? पेन रिलीफ। पेन रिलीवर। दूसरा ये एंटी पायरेटिक होते हैं, वो क्या होता है? मैम फीवर कॉज नहीं करते, फीवर को मतलब रिड्यूस करते हैं। तीसरी है एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। ये इनके तीन बेसिक यूजेस हैं। एनसिड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन। एनसिड्स ब्लॉक द प्रोस्टाग्लैंडिन जनरेशन। बेसिकली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही यही होता है कि इन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टेसाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सेन्स की प्रोडक्शन रिड्यूस करनी होती है बाय ब्लॉकिंग द कॉक्स वन या कॉक्स टू इनहिबिटर्स, ठीक है। अगर कॉक्स वन इनहिबिटर्स ब्लॉक होंगे तो थ्रोम्बोक्सेन ए टू नहीं बनेंगे एंड कॉक्स टू में प्रोस्टेसाइक्लिन्स है, ओके। ये वही बात आ गई। अच्छा जी, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसिड्स? एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कैसे होता है? यही तीनों चीजें जब प्रोड्यूस नहीं होती, क्या होता है? कॉक्स वन, कॉक्स टू, ये दोनों इनहिबिटर इन दोनों को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। कॉक्स वन कॉक्स टू इनहिबिटर है एंड प्रोस्टाग्लैंडिंस, प्रोस्टेसाइक्लिंस एंड थ्रोम्बोक्सेन, इन सब की जब प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। एस्पिरिन, आप सबको पता है डिस्प्रीन के नाम से ये मेडिसिन आती है, इट इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट्स कॉक्स वन एंड कॉक्स टू बाय एसिटाइलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल एंड रेजिड्यू। This distinguishes from it from other NSAIDs which reversibly inhibit COX-1 and COX-2. Disprin, aspirin, ये बड़ी commonly used drug है. It basically inhibits COX-1 and COX-2 but irreversibly. ठीक है? Irreversible होता है. Reversible inhibition नहीं होती. Okay जी, COX-1 physiologically expressed. फिजियोलॉजिकली का मतलब आपकी बॉडी के जो नॉर्मल स्टेट है, जैसे कि अभी हम सब नॉर्मल बैठे हैं, कॉक्स वन इस कंडीशन में होता है, बट जो कॉक्स टू के रिसेप्टर्स हैं, ये एंजाइम्स हैं, ये पैथोलॉजिकल स्टेट्स में आता है, बट इट इज फिजियोलॉजिकली एक्सप्रेस्ड इन किडनी एंड कॉक्स वन इट मेंटेन्स द नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल हाउसकीपिंग फंक्शन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्लेटलेट्स एंड जीआईटीज, ठीक है जी।
ये नॉर्मल आपकी बॉडी में कॉक्स वन होता है. फार्माकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? थ्रोम्बोक्सेन A2 वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन कराते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिंस एंड प्रोस्टेसाइक्लिंस, प्रोस्टाग्लैंडिंस ये E2 को कहते हैं, प्रोस्टेसाइक्लिन I2 होते हैं, दे आर वेसोडायलेटर्स. ठीक है. एंड लाइक आई टोल्ड यू थ्रोम्बोक्सेन प्लेटलेट एग्रीगेशन कराते हैं एंड प्रोस्टेसाइक्लिंस प्लेटलेट इनहिबिशन कराते हैं. ठीक है. अच्छा जी, ये कुछ एग्जाम्पल है. दीज आर नॉन सेलेक्टिव एंड दीज आर सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स. ठीक है. नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में एस्पिरिन है, आइब्यूप्रोफिन है, इंडोमेथिसिन है, डाइक्लोफिनैक है, पाइरोक्सिकैम है, मेफेनमिक एसिड है. सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स में सेलीकॉक्सिब है, मेलोमेलोक्सिकैम है. एनल्जेसिक, एंटी पायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन. अच्छा, आई थिंक सो मुझे ना एक चेंज करना चाहिए आप लोगों के जो फाइनल्स का सिलेबस है उसमें. मुझे कुछ लेक्चर्स इनिशियली जो इंट्रोडक्शन टू फार्मा है या फिर आपके CVS या CNS में से थोड़ा बहुत कम करके ये लेक्चर्स इंक्लूड कर देने चाहिए. क्यों? Isn't it? Yes, ma'am. Introduction वाले रहे. इंट्रोडक्शन पूरा मैं खत्म कर देती हूँ, बाकी उसके अलावा. हाँ, तो हम CNS और CVS और ये जितनी भी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने अभी अच्छी तरह से ना किए आगे ना आपको पैथोलॉजी आएगी और फिर बंदा फिर इधर उधर से बस मेडिसिन पूछ रहे थे, ये आपकी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे कोई इशू नहीं है अगर आप लोग ये नहीं और आप इंट्रो करना चाह रहे हो के पर, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये पढ़ो बिकॉज ये डेली बेसिस पे ये सारी चीजें बहुत अहम है. आपको एस्मा का पेशेंट मिलेगा, आप लोग हम सब लोग एनसेड्स ले रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये मेडिसिन अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ये होती क्या है. ठीक है. तो हम ऐसा करते हैं कि हम फिर 1-8 लेक्चर्स जो आपके इंट्रो के हैं वो मैं उसमें से निकाल देती हूँ क्योंकि वो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर भी किया हुआ है. ठीक है. तो हम CNS और ये जितने भी एंड तक 28 लेक्चर्स हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है. ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. चलो इसको हम एंड में रिवाइज देखते हैं. अच्छा, एस्पिरिन बड़ी कॉमन ड्रग, लाइक आई टोल्ड यू इट इज अ नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर. ये कॉक्स वन कॉक्स टू दोनों को इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है. इनहिबिट करेगी तो क्या करेगी? प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टेसाइक्लिन की सिंथेसिस, थ्रोम्बोक्सेन की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी. अच्छा, एस्पिरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग मेजोरिटी ऑफ आर्टिक्यूलर का मतलब जॉइंट एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स. ठीक है. इट इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट. ठीक है. एंड एस्पिरिन जो है ये सेलिसाइलेट क्लास, सेलिसाइलिक एसिड है ये उसकी क्लास होती है बेसिकली. ये सेलिसाइलिक एसिड आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जी पिम्पल्स रिड्यूस करने में, जो फेस पे एक्नी हो जाती है उसको, उसमें भी ये यूज होता है. अच्छा, एस्पिरिन इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टिन. ठीक है. इट्स पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी इज द लिमिटिंग फैक्टर इन एब्जॉर्प्शन. ओके. एस्पिरिन इज रैपिडली डी एसिटाइलेटेड इन द गट वॉल, लिवर, प्लाज्मा एंड अदर टिश्यूज टू रिलीज सेलिसाइलिक एसिड, विच इज द मेजर सर्क्यूलेटिंग एक्टिव फॉर्म. सो बेसिकली जो एक्टिव फॉर्म है एस्पिरिन की वो क्या है? वो है सेलिसाइलिक एसिड. It slowly enters the brain but freely crosses the placenta. The metabolites are excreted by the kidney. ठीक है जी. ये कुछ इसके pharmacokinetics हैं. Salicylates are rapidly absorbed from the stomach and upper small intestine. The acid medium in the stomach keeps a large fraction of salicylate in the non-ionized form, promoting absorption. However, the drug may damage the mucosal barrier. ठीक है. ये बड़ा इसका जी साइड इफेक्ट है. जो लोग एस्पिरिन लेते हैं ना उनको स्टमक अल्सर्स का बड़ा प्रॉब्लम रहता है. क्यों? ये देखो, बिकॉज इट कैन डैमेज द म्यूकोजल बैरियर. ये एनसेड्स का ना ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है. ओके. एस्पिरिन कॉक्स वन का है ना बस ये.
हाँ ये सिर्फ कॉक्स वन का है, जो सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स होते हैं ना सेलिकॉक्सिब, वो फिर उनका यही फायदा होता है कि वो म्यूकोजल डैमेज नहीं करते म्यूकोजा. ठीक है, एस्पिरिन इज एब्जॉर्ब्ड एज सच एंड इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड टू एसिटिक एसिड एंड सेलिसाइलेट्स बाय एस्टरेज. ये उसकी कुछ फार्माको काइनेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. ओके जी, डायनामिक्स में आपको पता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक करती है. It decreases the formation of prostaglandins, thromboxane, okay, but not leukotrienes. Aspirin inhibits granulocyte adherence to damaged vasculature, stabilizes the lysosomes, and inhibits migration of polymorphonuclear leukocytes. अब अगर आप लोगों ने physiology में जब inflammation पढ़ी हो तो you guys would have read about all these things. के ये basically इन्फ्लेमेशन होती क्या है. लेट सपोज कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है, ये ब्लड वेसल है, बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं स्पेशली आपके जो WBCs जिनको आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हो एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इनमें वो होते हैं ईओसिनोफिल्स. ठीक है, इनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर कहते हो, बेसोफिल्स हो गया, ये सारे सेल्स वहाँ पर आ जाते हैं. लेट सपोज आपके घर में कोई चोर व कुछ भी घुसाए तो क्या होता है, आप सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हो छुप. I mean, I'm just saying that. But इसी तरह बॉडी में भी कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए ना, ये जितने भी डब्ल्यू बी सीज हैं ये हाई अलर्ट पे हो जाते हैं ऐसे. और ये सारे सेल्स यहाँ पे आते हैं और इनका बेसिक मकसद क्या होता है. अब इन सेल्स ने ना यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज करना है, ब्रेडिकाइनिन, स्पेशली ये जो मास सेल्स हैं उन्होंने रिलीज करना होता है. जब रिलीज हो जाता है वेजोडाइलेशन होती है, ब्लड फ्लो वहाँ ज़्यादा हो जाता है. ये बेसिकली ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही होती हैं कि हम अब जो बॉडी है उसको बताएं कि भाई कोई फॉरेन चीज हैज एंटर्ड द बॉडी एंड नाउ यू नीड टू टेक सम मेजर्स टू रिमूव दैट मटेरियल द फॉरेन सब्सटेंस. ठीक है, तो एस्पिरिन जो है क्या करता है, एस्पिरिन ये सारे काम नहीं करता है. एस्पिरिन ने एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स देने, सो इट विल स्टेबलाइज द सेल्स लाइसोसोम्स, इट इनहिबिट्स द माइग्रेशन ऑफ दीज सेल्स. ओके, एंड मैक्रोफेजेस इनटू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. एस्पिरिन के एनल्जीजिक इफेक्ट्स भी हैं. इट इज ऑल्सो यूज एज अ पेन किलर. सर दर्द में हम एस्पिरिन डिस्प्रिन की दो गोलियां ले लें जी ये. ओके, एंटी प्लेटलेट एक्शन भी है. प्लेटलेट एग्रीगेट्स एंड प्रोवाइड्स द नीड्स फॉर थ्रोम्बस फॉर्मेशन. अच्छा, अब इस चीज का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं. ठीक है, प्लेटलेट्स का बेसिक मकसद क्या होता है, आता है किसी को? ब्लड ब्लड क्लॉटिंग करनी है, क्लॉट्स फॉर्मेशन. हाँ, अगर ये इसका एक्शन ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इन हैंड, तो फिर तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. आपकी ब्लड वेसल्स क्लॉग हो जाएंगी क्लॉट से, MI हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो प्लेटलेट एग्रीगेशन इज प्रिवेंटेड बाय प्रोस्टेसाइक्लिन and it is promoted by thrombozen. ये तीसरी बार ये point मैं repeat कर रही हूँ कि thrombozen जो A2 है आपके पास, ठीक है, thrombozen जो आपके पास A2 है and prostaglandin I2 है, thrombozen बहुत ज़्यादा platelet aggregation कराता है, बहुत ज़्यादा clot formation, whereas prostacyclins खून को thin करते हैं. It is used as a blood thinner. ठीक है, तो एस्पिरिन क्या करती है, एस्पिरिन भी ब्लड थिनर है. ठीक है, आप देखो जिन लोगों को MI होता है, जिन लोगों को स्ट्रोक होता है, हम उनको क्या देते हैं, हम उनको एस्पिरिन दे रहे होते हैं बेसिकली. क्यों? क्योंकि एस्पिरिन ने क्या करना है, ये करना है एस्पिरिन ने, जो थ्रोम्बोक्सेन है ना इसको इनहिबिट कर देना है. तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी एंड जो ब्लड है वो थिन अप हो जाएगा. ठीक है, सो थ्रोम्बोक्सेन A2 प्लेटलेट thrombozane A2 remains irreversibly inhibited. Irreversible inhibition karata hai. Okay, only when new platelets are synthesized, platelet activity restarts approximately 7 to 10 days. Ab ye platelet hai, ye platelet hai, patient ne do goliyan disprin ki khayi, to kya hua, ye aspirin ne aake ye jitne bhi platelets hai na, इन सब की एग्रीगेशन को प्रिवेंट करना है, मतलब इनको इकट्ठे एक जगह पे कंबाइन नहीं होने देना. तो एक प्लेटलेट इधर है, कोई इधर है. ठीक है, अब
वी नो आफ्टर एवरी 7 to 10 days आपकी बॉडी के जितने भी प्लेटलेट्स हैं वो रिन्यू हो जाते हैं. जैसे 42 days के बाद नए RBCs आ जाते हैं आपके ब्लड में, इसी तरह 7 to 10 days के बाद न्यू प्लेटलेट्स आ जाते हैं आपके. ठीक है, तो जितने दिन वो प्लेटलेट रहेगा वो इरिवर्सिबली इनहिबिट रहेगा, इनहिबिटेड. जैसे ही वो प्लेटलेट फिर ऑब्वियसली उन प्लेटलेट्स की अपोप्टोसिस हो जाती है, वो बॉडी उसको रिमूव कर देती है. जब नया प्लेटलेट आएगा फिर हमें ऑब्वियसली और डोज लेनी पड़ेगी एस्पिरिन की. ठीक है, अच्छा अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. स्टॉप एस्पिरिन 1 week प्रायर टू सर्जरी. एनीबडी टेल मी व्हाई? बिकॉज मैम सर्जरी में ब्लीडिंग होती है तो एक्सेस ब्लीडिंग के रोकने के लिए ब्लड थिन हो जाता है उसकी वजह से. वेरी गुड, एक्सेस ब्लीडिंग में के चांसेस हो सकते हैं. दूसरा है जी, यूजफुल इन थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर्स. जैसे कि अभी आई टोल्ड यू कि हम स्ट्रोक के पेशेंट्स को देते हैं, TIA में देते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जिसको आप मिनी स्ट्रोक कहते हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दे सकते हैं. अच्छा, अवॉइड एस्पिरिन इन लिवर डैमेज. क्यों? क्योंकि लिवर ने ही एस्पिरिन को मेटाबोलाइज करना होता है. ठीक है, तो अगर लिवर ही डैमेज हो गया तो एस्पिरिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो सकती है. अच्छा, अवॉइड एस्पिरिन इन हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया. ये प्रोथ्रोम्बिन बेसिकली क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स बेसिकली ये ब्लड जो कोगुलेशन कैस्केड है ये उसमें हेल्प ये हेल्पफुल होता है उसमें. तो ये बड़ा क्लॉटिंग पॉइंट है. हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर, बट इसमें यू गोइंग टू स्टडी दिस इन पैथोलॉजी जब आप कोगुलेशन कैस्केड्स पढ़ोगे. वाइटामिन के की डेफिशिएंसी में भी नहीं देते, हीमोफीलिया. अच्छा, अब ये बेसिकली वो सारी कंडीशंस हैं, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, वाइटामिन के और हीमोफीलिया, ये वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपके ब्लड ऑलरेडी बहुत थिन होता है एंड ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं. हीमोफीलिया ये फैक्टर 8 होता है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी होती है. तो ये इन पेशेंट्स को क्या होता है, लेट्स सपोज अब इनको कोई भी कट लगता है ना तो इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है. ठीक है, अच्छा, वाइटामिन के इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटामिन विच प्रोमोट्स क्लॉटिंग. ओके, तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर ब्लड ऑलरेडी थिन हो रहा है. ठीक है, तो हम इन कंडीशंस में ऑब्वियसली अगर एस्पिरिन देंगे तो ब्लड मजीद थिन हो जाएगा और मजीद ब्लीडिंग के चांसेस हो जाएंगे. ठीक है, इसीलिए वी शुड अवॉइड एस्पिरिन इन सच केसेस. अच्छा, एस्पिरिन के एंटी पायरेटिक इफेक्ट्स भी हैं. प्लेटलेट में इट इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस. बार बार ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इफेक्ट्स में आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट कॉजेज गैस्ट्राइटिस. ये आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है ना उसको बहुत इरीटेट कर देता है. वहाँ इट बेसिकली डिस्टर्ब्स द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, वहाँ पे अल्सर्स बन जाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी. ओके जी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स, ये वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स हैं. लोकल म्यूकोजल इरिटेशन होती है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, एंटी प्लेटलेट एक्शन है, इट कुड लीड टू GI ब्लीडिंग. जो लोग एस्पिरिन की बहुत ओवरडोज ले लेते हैं वो हॉस्पिटल में आते ही GI ब्लीडिंग के साथ हैं. ठीक है, दीज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स आर थॉट टू बी ड्यू टू direct chemical effect on gastric cells and decrease in production and cytoprotective activity of prostaglandins which leads to gastric tissue susceptibility to damage by hydrochloric acid. Basically जो आपके prostaglandins हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं. prostaglandins ने आपकी जो stomach की lining है उसको प्रोटेक्ट करना होता है. ये प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं, दे आर साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, अल्सर्स नहीं बनने देते. ठीक है, बट लाइक आई टोल्ड यू कि एस्पिरिन जो है ये COX-1 and COX-2 दोनों को इनहिबिट करता है, तो बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल है वो लो हो जाता है. जब बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल लो हो जाएगा तो HCL जो है वो स्टमक की वॉल को खाना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इन पेशेंट्स में अल्सर्स के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. ओके, तो हम इन पेशेंट्स को क्या करते हैं, हम इन पेशेंट्स में दे देते हैं जी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. गॉट इट? अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का क्या काम था, हाइड्रोजन क्लोराइड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी सिक्रीशन रिड्यूस करवाना. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड ही कम कर देंगे ना, अब बिकॉज एक पेशेंट है हमें उसको एस्पिरिन जरूर देनी है. ठीक है, तो हम 7 PPI का कवर देते हैं, हम उसको
ओमेप्रोजोल ये राइजेक के साशे वगैरह ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, वो क्या होगा स्टमक का एसिड कम प्रोड्यूस होता है तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव इफेक्ट आ जाता है। ठीक है जी, ये किडनी एस्पिरिन कैन बी नेफ्रोटॉक्सिक एज वेल बिकॉज इट कॉजेज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, बिकॉज इट कुड लीड टू इम्पेयरमेंट ऑफ RBF एंड GFR. RBF is renal blood flow. It can cause papillary necrosis on long-term usage. These are some things जो आपने याद करनी है. Okay, CNS effects क्या होते हैं? Aspirin people may experience salicylism, जिसमें tinnitus आता है. Tinnitus का मतलब ringing sensation in ears. Decreased hearing, vertigo, reversible by reducing the dosage. Still larger doses of salicylates causes hyperapnea, मतलब shortness of breath through a direct effect on medulla. हाँ, ये बड़ा important point है. Aspirin toxicity जो है ना, एक patient है, उसने aspirin की गोलियां ले ली हैं 25 से 30. वो हॉस्पिटल में आया है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो बहुत तेजी से ब्रीथ कर रहा होता है. सो ब्लड में आप बताओ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी या एल्कलोसिस होगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बाहर आ रही है आपकी बॉडी से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर एसिड इन योर ब्लड बाय कार्बोनिक एसिड. बट कार्बन डाइऑक्साइड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से जब बॉडी से बाहर आती है तो इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. अब आप खुद सोचो एस्पिरिन क्या है, सेलिसाइलिक एसिड है, तो आपको कहना चाहिए मैम ये खुद एक सेलिसाइलिक एसिड है, अगर किसी ने ओवरडोज ली है तो पेशेंट को एसिडोसिस होनी चाहिए, इजंट इट? है ना. बट एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट में पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होती है. क्यों? क्योंकि एस्पिरिन आपके ब्रेन में जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वहां पे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना उसको स्टिम्युलेट कर देती है, और पेशेंट बहुत तेजी से ब्रीथ करता है. जब पेशेंट बहुत तेजी से ब्रीथ करता है तो उसका जितना भी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो एक्सपेल आउट होना शुरू हो जाता है. अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है बॉडी में कार्बोनिक एसिड बनाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है. जब आप यूं समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब बॉडी से एसिड बाहर जा रहा है, तो पीछे क्या हुई, एल्कलोसिस. और ये रेस्पिरेटरी क्यों है, क्योंकि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से हो रही है. तो इनिशियली पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होती है. ओके जी, सिम्टम्स ऑफ एस्पिरिन ओवरडोज, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये हो सकती हैं, ये सेलिसाइलिज्म. अब आप इनिशियली ये देखो ये फीचर्स आते हैं, हेडेक वगैरह, फिर कन्फ्यूजन एंड ड्राउजीनेस, स्वेटिंग, हाइपर वेंटिलेशन, नोजिया, मार्क्ड एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस, फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है इन पेशेंट को टॉक्सिसिटी में, डिहाइड्रेशन, फिर एंड पे कन्वल्जन्स, कोमा, डेथ वगैरह. एट टॉक्सिक लेवल्स वही बात जो मैंने बताई कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पहले होगी, लेटर एसिडोसिस होगी. ठीक है, इनिशियली रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होती है बिकॉज सबसे पहले एस्पिरिन जैसे ही ओवरडोज में जाती है वो CNS रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिम्युलेट करेगी, लीडिंग टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. फिर लेटर ऑन जब वो सेलिसाइलिक एसिड आपकी स्टमक वॉल से एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाएगा, ऑब्वियसली एब्जॉर्ब होने में, ब्लड में जाने में टाइम लगता है, तो फिर बाद में एसिडोसिस होती है. ओके, अदर एडवर्स इफेक्ट्स में एस्पिरिन इन लो डेली डोज यूजुअली इंक्रीजेस सीरम यूरिक एसिड, वेयर एज डोजेस एक्सीडिंग 4 ग्राम डेली डिक्रीज द यूरेट लेवल्स. ये भी थोड़ा बहुत इसका एक एडवर्स इफेक्ट है कि अगर एस्पिरिन आप लो डोजेस में दोगे तो हाइपर यूरेसीमिया, एस्पिरिन अगर आप हाई डोज में दोगे तो वो हाइपोयूरेसीमिया कराता है. अच्छा जी, ये चीज़, हाँ अच्छा, यहाँ पे एक सिंड्रोम होता है, एस्पिरिन कैन कॉज राइस सिंड्रोम. आई थिंक यू गाइज शुड नॉट नो अबाउट दिस राइट नाउ, ये पैथोलॉजी की चीज़ है. ठीक है, रेयरली ए ग्रैन्यूलोसाइटोसिस हो सकती है. ए ग्रैन्यूलोसाइटोसिस का मतलब WBC काउंट लो हो जाएगा. ए प्लास्टिक अनीमिया का मतलब WBC, RBC और प्लेटलेट, तीनों चीज़ें लो हो जाएंगी. किडनी के ऊपर इट कुड लीड टू एक्यूट रीनल फेलियर, इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम,
ठीक है, ये चीज थी आपकी एस्पिरिन। ओके, फिर एक और चीज हमारे पास आती है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन है जी आपकी पैरासीटामोल। पैरासीटामोल कितनी कॉमन मेडिसिन है, और पैरासीटामोल हम एज एन एंटीपायरेटिक भी यूज कर रहे हैं। पैनाडोल जिसको कहते हो, पैनाडोल को हम एनल्जीजिक पेन किलर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इट इज अ वीक प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर इन पेरिफेरल टिश्यूज एंड पजेसेस नो सिग्निफिकेंट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, इट कैन बी यूज एज एन एनल्जेसिक, एंटी पायरेटिक। सेंट्रल एक्शन इज ग्रेटर देन पेरिफेरल एक्शन। सेंट्रल एक्शन का मतलब ब्रेन के ऊपर ज्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होता है इसका। डोज क्या होती है, 10 to 15 मिलीग्राम्स पर केजी एवरी 4 आवर्स, मैक्सिमम ऑफ 5 डोजेस इन 24 आवर्स। ठीक है, अच्छा जी, जीआई डिस्टरबेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस से टॉक्सिसिटी में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इट इज़ एन एक्सट्रीमली सेफ ड्रग, बट ऑलवेज रिमेंबर पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी ऑलवेज लीड्स टू हिपैटिक फेलियर, लिवर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है आपका। ठीक है, ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स। एसिटामिनोफेन इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, आपको पता है हम पैनाडोल हमेशा ओरली लेते हैं। एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। एसिटामिनोफेन इज स्लाइटली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड इज पार्शली मेटाबोलाइज बाई हेपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स। इंडिकेशन क्या हैं, इट इज एन इफेक्टिव एनल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक एजेंट, बट इट लैक्स द एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एस्पिरिन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट पैनाडोल में नहीं होती। एडवर्स इफेक्ट अगर मैं पूछूं, टेल मी वन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवरडोज ऑफ एसिटामिनोफेन या पैनाडोल या पैरासिटामोल, तो आपने लिवर टॉक्सिसिटी या हेपेटोटॉक्सिसिटी या लिवर डैमेज, तीनों सेम चीजें, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस। ओके, now let's talk about selective cox2 inhibitors. selective cox2 inhibitors wo hote hain jo sirf aapke aapke jo cox2 jo enzymes hain unko inhibit karte hain. theek hai, occurrence of peptic ulcer and ulcer bleed is clearly lower than with traditional NSAIDs. ठीक है, दे डू नॉट डिप्रेस थ्रोम्बोक्सेन A2 प्रोडक्शन बाय प्लेटलेट्स, दे डू नॉट इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, बट दे ओनली रिड्यूस प्रोस्टासाइक्लिन प्रोडक्शन बाय वैस्कुलर एंडोथेलियम। अब ये मैं दोबारा एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने पढ़ा था कॉक्स वन, हमने पढ़ा था कॉक्स टू। कॉक्स वन से बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड दूसरा क्या था हमारा, थ्रोम्बोक्सेन, और कॉक्स टू से बनते हैं प्रोस्टासाइक्लिन जिसको आप कहते हो PGI2। ये प्रोस्टाग्लैंडिन PGE होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन ने आप स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन, अब हम बात करें सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स की, कि हमने सिर्फ वो मेडिसिन दी जिसने कॉक्स टू को इनहिबिट किया, प्रोस्टासाइक्लिन का लेवल ब्लड में लो हो गया। ठीक है, दूसरी बात हमने ये भी की थी कि जो प्रोस्टासाइक्लिन है वो क्या करती है, प्लेटलेट को, प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करती है या इनहिबिट करती है? प्रमोट, हाँ, इनहिबिट, इनहिबिट करती है, इनहिबिट करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अच्छा, एस्पिरिन जब हम देंगे तो एस्पिरिन ने कॉक्स वन को, कॉक्स टू दोनों को इनहिबिट करना है, तो ये तीनों चीजें नहीं प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, इसीलिए प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं प्रोड्यूस होगा, तो हमें 7 PPI का कवर देना पड़ता है। इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स शुड बी यूज्ड ओनली इन पेशेंट्स एट हाई रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर, परफोरेशन और ब्लीड्स। ठीक है, बट कॉक्स टू इनहिबिटर्स हम बहुत कम यूज करते हैं, सेलेकॉक्सिब ये सारे, बट इसका आपको सिर्फ नाम आ जाए, सेलेकॉक्सिब एंड रोफेकॉक्सिब, दैट इज इट। ठीक है,
ये उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं. आई डू नॉट वांट यू टू नो डिटेल्स अबाउट ये सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स. बच्चों कैन यू गाइस हियर मी? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है ग्रेट. अच्छा तो वो सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स जस्ट गो थ्रू इट वंस दैट्स इट. एनसेड्स फॉर स्पेशल इंडिकेशंस इंडोमेथासिन. अच्छा इंडोमेथासिन की मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपको आनी चाहिए इंडोमेथासिन इज आल्सो एन एनसेड. ठीक है इट इज स्लाइटली मोर टॉक्सिक बट इट इज ऑब्वियसली मोर इफेक्टिव देन एस्पिरिन. बड़ी स्ट्रॉन्ग ड्रग होती है ओरली एब्जॉर्ब होती है. ठीक है जो बेबीज होते हैं ना जिनके अंदर हार्ट में जिनका होल होता है या इसको आप पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस भी कहते हो इस कंडीशन को तो उस कंडीशन में हम बेबीज को इंडोमेथासिन देते हैं और इंडोमेथासिन से ये होल रिड्यूस हो जाता है. अच्छा मैं बताती हूँ ये हार्ट है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका निकल रहा है एओर्टा. ठीक है राइट वेंट्रिकल से आपकी निकल रही है पल्मोनरी ट्रंक. ठीक है ये ऐसे होता है ना. अब बाय बर्थ ऑन बर्थ होता क्या है कि बेबीज का ये एक कनेक्शन होता है ये अल्लाह ताला ने नेचुरली बनाया हुआ है कि एओर्टा से ब्लड यू नो पल्मोनरी ट्रंक में आ रहा होता है या पल्मोनरी ट्रंक से एओर्टा में. इसको आप कहते हो डक्टस आर्टीरियोसिस. क्या कहते हो? डक्टस आर्टीरियोसिस. बट जब आफ्टर अ बेबी इज बॉर्न ठीक है ये जैसे ही बच्चा होता क्या है बच्चों के व्हेन अ बेबी इज इन द मदर्स वूम्ब तो उसकी लंग्स जो है वो फंक्शनल नहीं होती तो डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में चला जाता है एओर्टा से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और पूरी बॉडी में जाता है. जो ब्लड है वो लंग्स में कभी भी सर्कुलेट नहीं करता. क्यों जाएगा लंग्स में जब लंग्स में एयर ही नहीं है तो ब्लड क्यों जाएगा लंग्स में. ठीक है ये होता है बेबी की बर्थ से पहले. जैसे ही अ बेबी इज बॉर्न होता क्या है कि वो जब बच्चा रोता है उसका जो लंग्स क्लियर होती हैं तो ये जो कनेक्शन है ये क्लोज हो जाता है विद इन फ्यू आवर्स क्लोज हो जाता है और वो जो पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड है वो एओर्टा में नहीं जाएगा. अब बेबी को ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से आएगी जब ब्लड लंग्स में जाएगा. ठीक है ये चीज होती है डक्टस आर्टीरियोसिस क्लोज हो जाती है. बट अगर बाय बर्थ पेशेंट बच्चों में डक्टस आर्टीरियोसिस क्लोज नहीं होती वी कॉल दिस कंडीशन पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस. व्हाट डू वी कॉल इट? पेटेंट डक्टस. पेटेंट का मतलब होता है वो वहीं पे मौजूद है. ठीक है तो ये मेडिसिन हम बेसिकली पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में देते हैं और नॉर्मली 95% केसेस में वो क्लोज हो जाती है ये डक्ट. ठीक है ये आपकी इंडोमेथासिन है. दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स पेन डायरिया हेमरेज पैंक्रियाटाइटिस. ठीक है ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जस्ट गो थ्रू देम. बट डू रिमेंबर कि हम पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में इंडोमेथासिन देते हैं. अच्छा जी एक और बड़ी मजे की मेडिसिन है आइब्यूप्रोफेन. ये बच्चों का ब्रूफिन जो सीरप है वो क्या होता है आइब्यूप्रोफेन. हम जब बच्चों को फीवर हो तब देते हैं बॉडी एक्स हो तब देते हैं. सो इट इज एन एंटी पायरेटिक एंड इट इज ऑल्सो एंटी एनल्जीसिक. ओके so it is a non-selective NSAID. It is extensively metabolized in the liver. अच्छा मुझे बताओ क्या mechanism of action है ibuprofen का? हाँ जी cox 1 cox 2 inhibitor. inhibitor. ये जितने भी हम NSAIDs पढ़ रहे हैं ना इन सब they are all cox inhibitors. got it? they are all non-selective cox inhibitors. These are some of the side effects: rash, pruritus, tinnitus, dizziness. अच्छा diclofenac. ये diclofenac ये इसके injections आपको लगते हैं जब भी muscle में pain हो fever हो antipyretic, analgesic, anti-inflammatory. इसकी properties हैं. The drug is rapidly absorbed following oral administration. It has a half-life of 1 to 2 hours. It accumulates in the synovial fluid. The potency of diclofenac
as cyclooxygenase inhibitor is greater than that of naproxen. Naproxen is also an NSAID, okay, but diclofenac is a very potent NSAID. And always remember, ye jitne bhi hum NSAIDs pad rahe hain, in sab ka ek hi mechanism of action hai, wo kya hai? Cyclooxygenase inhibitor. Got it? Okay, G. So this diclofenac, it is recommended for chronic inflammatory conditions, jaise rheumatoid arthritis hai, jaise osteoarthritis hai, jitne bhi ye joint ki conditions hoti hain, in sab mein hum isko dete hain. Again, मैंने आपको एक साइड इफेक्ट बता दिया है, वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अल्सरेशन. कुछ भी ना आ रहा हो एग्जाम में और मैं पूछूं कि एनसिड्स के साइड इफेक्ट बता दो, या मैं पूछ लूं कि बैक्लोफेन के, जो कि अभी हमने आइब्यूप्रोफेन पढ़ी है, और आई आस्क के डाइक्लोफेनाक के, मुझे कोई भी एक साइड इफेक्ट बता दो, तो आपको फौरन से क्लिक कर जाना चाहिए, ये जितनी भी मेडिसिन हैं ये सब एनसिड्स हैं, राइट? और एनसिड्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? दे आर ऑल कॉक्स इनहिबिटर्स. और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जितने भी कॉक्स इनहिबिटर्स हैं बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल रिड्यूस करते हैं. जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिड्यूस होगा तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी होगी और अल्सरेशन भी होगी. डू नॉट फॉरगेट दीज टू इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स. ओके, अच्छा जी, पाइरोक्सिकैम, ये अभी बहुत लेटेस्ट एनसिड है जो आजकल यूज हो रही है. इसके भी वही है, इट इज यूज्ड एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक एंड एज एन एनाल्जेसिक. दीज आर सम ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स. इट इज रैपिडली अब्सॉर्ब्ड इन द स्टमक एंड अपर इंटेस्टिन, रीचेस 80% ऑफ इट्स पीक इन 1 आवर. ओके, GI symptoms are encountered in 20% of patients. वही हर जितने भी NSAIDs हैं सबसे common GI symptoms हैं, वो क्या हैं? Gastrointestinal bleeding and gastrointestinal ulceration. ओहो, which of the following is not anti-inflammatory? ये है acetaminophen. ये क्या था? Panadol. तो Panadol जो है वो antipyretic जरूर है. पैनाडोल आपकी एनाल्जेसिक भी, हाँ एनाल्जेसिक भी है, बट जैसे बाकी सब एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव कॉक्स टू? ये सेलेकॉक्सिब, बाकी सारे नॉन सेलेक्टिव हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन MI एंड स्ट्रोक? एस्पिरिन. ये तो आपको पता होना चाहिए, एस्पिरिन. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एज वेल.